हेलो एवरीवन, माय नेम इज स्मिथ एंड यू आर वाचिंग टेक्निकल गवर्नमेंट जॉब ऑल ओवर इंडिया यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, बिकॉज आज हम बात करने वाले हैं अमूल की आई हुई लेटेस्ट जॉब वैकेंसीज के बारे में, जहाँ पर आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। मेल एंड फीमेल दोनों कैंडिडेट्स के लिए एलिजिबल है, दोनों ही अप्लाई कर सकते हैं। बेस्ट सैलरी आपको यहाँ पर पे की जा रही है, प्लस अदर बेनिफिट भी आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। सबसे अच्छी बात यहाँ पे ये है कि कोई एग्ज़ाम नहीं होने वाला। एज अ फ्रेशर आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आई हुई है, तो आप इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सो इन वैकेंसीज के लिए आप इंडिया में किसी भी सिटी या स्टेट से बिलोंग करते हैं, एलिजिबल हैं और अप्लाई कर सकते हैं। अमूल के साथ साथ एक नोटिफिकेशन पोस्ट ऑफिस की तरफ से भी आज ही आया है, बिल्कुल फ्रेश नोटिफिकेशन। उसके भी हम बात करने वाले हैं किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या इसमें एलिजिबिलिटी रहने वाली है। सबसे पहले वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करना, आपका एक लाइक मोटिवेट करता है आपके लिए नए नए अपडेट लेकर आने का। और ये जो वैकेंसीज आउट हुई है ना अमूल की, इसमें पैकेज भी आपको बहुत बढ़िया पे किया जा रहा है, जिसमें आपका 5,50,000 पर एनम का पैकेज इसमें रहने वाला है। जो अगर मैं सैलरी की बात करूँ, 45,000 प्लस आपकी इन हैंड रहने वाली है। इसी के ऑपोजिट जो पोस्ट ऑफिस का नोटिफिकेशन आया, आगे हम उसके बारे में भी डिस्कस करने वाले हैं। 10th 12th एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं, तो वीडियो को आपने स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना है। अगर आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक अपडेट आप तक टाइम पर पहुंच जाए। बाकी इस अपडेट के अलावा और भी काफ़ी सारे डिपार्टमेंट हैं जिनकी वैकेंसीज आउट की जा चुकी हैं। आप अपने क्वालिफिकेशन, अपनी सिटी या फिर डिस्ट्रिक्ट के अकॉर्डिंगली हमारी ऑफिशियल वेबसाइट www.glory.com पर विजिट करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई कर सकते हैं। लिंक वेबसाइट का डिस्क्रिप्शन में आपको दे दिया गया है, आप देख भी पा रहे हैं। अगर आप इसको गूगल पे टाइप करेंगे ना, तब भी आपको फर्स्ट नंबर पे हमारी ऑफिशियल साइट मिल जाएगी। चलिए ज़्यादा टाइम ना लेते हुए बात करेंगे लेटेस्ट आई हुई जॉब वैकेंसीज के बारे में, जिसमें एक नोटिफिकेशन आ चुका है पोस्ट ऑफिस की तरफ से, जहाँ पे 10th 12th एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। और एक नोटिफिकेशन आया है अमूल इंडिया की तरफ से, परमानेंट आपकी दोनों नोटिफिकेशन के लिए ये वैकेंसीज आई हुई है। सो आप में से इसके लिए हर कोई एलिजिबल है, हर कोई अप्लाई कर सकता है। तो दोनों नोटिफिकेशन का वन बाय वन कवर करेंगे, किस तरीके से अप्लाई करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है। प्रॉपर स्क्रीन शेयर करके आपको बताऊंगी कैसे आपको इसके लिए अप्लाई कर लेना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अमूल का जो नोटिफिकेशन आया है उसके बारे में, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है, कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई हैं। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अप्लाई ऑनलाइन कैसे करना है। एज इट इज़ हम पोस्ट ऑफिस का डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें आप में से हर कोई अप्लाई कर सकता है, 10th 12th एनी ग्रेजुएट। सबसे पहले अमूल इंडिया का ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, अगर हम टाइप ऑफ जॉब की बात करें तो ये आपकी परमानेंट जॉब रहने वाली है। सो काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके लिए आ चुकी है, आप में से इसके लिए हर कोई अप्लाई कर सकता है। यहाँ पे क्लियरली मेंशन किया हुआ है एनी फ्रेशर्स यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। एक्सपीरियंस्ड की भी आई हुई है, वो भी आपको दिखा देती हूँ, लेकिन जिस पोस्ट के बारे में हम डिटेल में कवर करेंगे वो आई हुई है एनी फ्रेशर्स के लिए। पैकेज बहुत बढ़िया प्रोवाइड किया जा रहा है, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी बताया है, 5,50,000 तक का पैकेज आपका इस पे रहने वाला है पर एनम, जो आपका 45,800 प्लस इन हैंड आपकी सैलरी इसमें रहने वाली है। एज एन एम्प्लॉय भी आपको काफ़ी ज़्यादा इसमें बेनिफिट मिल जाते हैं, जिसमें EPF का आपको बेनिफिट मिलता है, ESI का बेनिफिट मिलता है एंड अदर्स। EPF के बारे में अगर आप अवेयर नहीं, आपको थोड़ा बता देती हूँ। सपोज दैट आपका मंथली डिडक्ट होता है 1200, तो जब आप विड्रॉ करवाते हैं ना, तो आपको पर मंथ के अकॉर्डिंगली उसका डबल मिलता है। मतलब अगर 1200 आपका डिडक्ट हो रहा है तो आपको 2400 इसका मिलता है बैक, तो ये आपके लिए बेनिफिशियल ही चीज़ रहती है। तो यहाँ पे मेल फीमेल दोनों अप्लाई कर सकते हैं, अप्लाई करना इसके लिए स्टार्ट हो गया है। इसके अलावा यहाँ क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है अमूल के नेम पर, अगर आपको कोई बोलता है जॉब दिलवा देंगे, इतना पे कर दीजिए, उतना पे कर दीजिए, तो आपको किसी को किसी टाइप की कोई फी पे नहीं करनी है। चाहे आप रिजर्व कैंडिडेट है, चाहे अनरिजर्व कैंडिडेट है, हर कोई यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वो भी विदाउट फी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन सी वैकेंसीज आउट हुई है, वो पहले आप ध्यान से समझ लेना, उसके बाद हम पोस्ट ऑफिस का डिस्कस करेंगे, जिसमें 10th 12th एनी ग्रेजुएट की वैकेंसीज आई हुई है।
है। तो अमूल का ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसको अप्लाई करने के लिए मैंने आपको इसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दिया है। आप उस पर क्लिक करेंगे, ये वाला इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा जो हमारी ऑफिशियल साइट का है। यहाँ पे क्लियरली हर चीज़ डिस्क्राइब की हुई है, वो भी डिटेल्ड में। तो यहाँ पे आपको थोड़ा स्क्रॉल डाउन करना है, लास्ट में आप देख पाएंगे रिक्वायर्ड लिंक। यहाँ पे पैकेज भी आप देख पा रहे हैं जो मैंने आपको ऑलरेडी बताया है, 5,50,000 तक का पैकेज आपका रहने वाला है। अब लास्ट में देखिए आपको ये मिल जाता है लिंक नोटिफिकेशन पीडीएफ का अप्लाई का। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, आपको सिंपल एक क्लिक करना है, इंटरफेस नया ओपन होगा ये वाला, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर्स के लिए भी है, एक्सपीरियंस के लिए भी है। फ्रेशर की आई हुई है जो, उसके बारे में बात करेंगे। ये लास्ट वाली जो 3 वैकेंसीज है ना आप देख पा रहे हैं, ये वाली एक्सपीरियंस के लिए, अगर आप में से किसी को है आप अप्लाई करना। बट मैं आपको फ्रेशर वाली वैकेंसी बताती हूँ जो पहले नंबर पर, आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करेंगे, ये इंटरफेस आपके सामने ओपन हो जाएगा। यहाँ पे देखिए इन्होंने क्लियरली पैकेज भी प्रोवाइड किया हुआ है, मेंशन किया हुआ है, जो हम ऑलरेडी यहाँ पर डिस्कस कर चुके हैं। तो मैं थोड़ा स्क्रीन को जूम कर देती हूँ ताकि आपको क्लियरली देख पाए। अब आपको क्या करना है, अप्लाई पे क्लिक करना है। जैसे आप अप्लाई पे क्लिक करेंगे ना, यहाँ पे हर चीज़ मेंशन की हुई है, आपका क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, क्या एलिजिबिलिटी रहने वाली है एंड अदर इन्फॉर्मेशन, हर चीज़ उन्होंने यहाँ पे क्लियरली डिस्क्राइब की हुई है। अब यहाँ पे जब हमने अप्लाई पे क्लिक किया ना, तो यहाँ पे आप दो तरीके से अप्लाई कर सकते हैं। फर्स्ट, अप्लाई विद naukri.com, क्योंकि अमूल का टाइप है naukri.com के साथ, तो सीधा इनकी ऑफिशियल साइट पे ही हम अप्लाई कर रहे हैं। आप अप्लाई विद naukri.com भी कर सकते हैं, ईमेल आईडी या फिर यूज़र नेम आप मेंशन करके उसके बाद सीधा अप्लाई कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पे मैनुअली भी अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे आपको अपनी ईमेल आईडी मेंशन करनी है, पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन हो जाना है, ठीक है। सो इसमें आपको रजिस्ट्रेशन की नीड नहीं है, सिंपली आपको अपनी ईमेल आईडी पासवर्ड मेंशन करके लॉगिन कर लेना है, उसके बाद आपको अप्लाई इसके लिए कर लेना है। सो यहाँ पे अप्लाई के जब आप क्लिक करेंगे, लॉगिन पे जब आप क्लिक करेंगे ना, आपके पास सामने एक नया इंटरफेस ओपन होने वाला है, जहाँ पे आपको क्या करना है, अपना नेम मेंशन करना है, फादर नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, ईमेल आईडी, क्वालिफिकेशन क्या है, कब और कहां से पास आउट की है, और आपकी क्या लोकेशन है, कौन सी लोकेशन आप प्रेफर्ड, आपकी जो लोकेशन है वो भी आपको मेंशन करना है, और लेटेस्ट रिज्यूमे आपको यहां पर अपलोड कर देना है। और रिज्यूमे आपको वही अपलोड करना है जो आपका बिल्कुल फ्रेश हो, लेटेस्ट हो, ठीक है, ताकि कोई प्रॉब्लम आपको फेस ना करनी पड़े। सो इसी तरीके से अप्लाई करेंगे, कोई प्रॉब्लम आपको इसमें नहीं आने वाली है। सो उसके बाद जैसे आपका अप्लाई हो जाएगा ना, आपको वेट करना है कुछ डेज, क्योंकि आप में से बहुत सारे कैंडिडेट हैं जो इसके लिए अप्लाई करेंगे। फ्रेशर्स पे फोकस किया गया है, फ्रेशर की ही वैकेंसी है, फर्स्ट वाली जो मैंने आपको बताई है उसी के लिए आपको इसके लिए अप्लाई करना होगा। अब अगर प्रोफाइल आपकी शॉर्टलिस्टेड होती है, आपको इसमें इन्वाइट किया जाएगा थ्रू ईमेल एंड कॉन्टैक्ट नंबर फॉर इंटरव्यू, उसके बाद आपके इसमें इंटरव्यू बेस्ड सिलेक्शन होने वाली है। सो जैसे मैंने आपको प्रॉपर गाइड किया है ना अप्लाई कैसे करना, वैसे ही अप्लाई करना है, उसके बाद आपको कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं आने वाली है। तो ये तो है पहला नोटिफिकेशन। अब बात करते हैं सेकंड नोटिफिकेशन के बारे में, जो कि पोस्ट ऑफिस की तरफ से आ चुका है। पोस्ट ऑफिस का ये जो नोटिफिकेशन आया है ना, इसमें भी एनी फ्रेशर्स कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं, मेल फीमेल दोनों ही। अगर एलिजिबिलिटी की बात करें, 10th पास 12th पास, एनी ग्रेजुएट अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट, अगर हम यहाँ पे सैलरी की बात करें, 19,900 से 63,200 सैलरी आपकी रहने वाली है। इन अपडेट के लिए भी कोई एग्ज़ाम आपका नहीं होने वाला है, कोई एक्सपीरियंस भी नहीं मांगा गया, फ्रेशर्स अप्लाई कर सकते हैं, विदाउट एग्ज़ाम आपकी इसमें हायरिंग होने वाली है। एप्लीकेशन फ़ी की अगर बात करें, डिस्क्राइब नहीं की है, अगर होती है तो ये डिस्क्राइब करते, इट मीन्स कोई फ़ी यहाँ पे नहीं है। विदाउट फ़ी आपको इन वैकेंसीज के लिए अप्लाई कर लेना है। अब हम बात करते हैं इसके लिए अप्लाई पहले कैसे करना है। आपको डिस्क्रिप्शन में सेकंड लिंक आपको इसी रिक्रूटमेंट का मिलेगा, क्लिक करना, नया पेज ओपन होगा। लास्ट में आप देख पाएंगे डाउनलोड नोटिफिकेशन एंड एप्लीकेशन फॉर्म। जब आप इस पर क्लिक करेंगे ना, नोटिफिकेशन के साथ ही एप्लीकेशन फॉर्म अटैच किया हुआ है, आपको डाउनलोड करके इसका प्रिंट आउट निकालना है, ठीक है। उसके बाद इसको सिंपली आपको फिल करना है, अपनी लेटेस्ट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ अटैच करनी है, अपना नेम, कॉन्टैक्ट नंबर, अल्टरनेट कॉन्टैक्ट नंबर, क्वालिफिकेशन क्या है, कब आपने पास आउट की है, अगर कोई एक्सपीरियंस है वो डिस्क्राइब करना, अदरवाइज ब्लैंक छोड़ सकते हैं। लास्ट ईयर डेट मेंशन करनी है, सिग्नेचर करना है, अब इसको इनवेल्प में डालना है, इनके गिवन एड्रेस पे आपको सेंड कर देना है। एड्रेस नोटिफिकेशन में क्लियरली डिस्क्राइब किया हुआ है। अब नेक्स्ट इसमें बात आती है कौन सी पोजीशन के लिए वैकेंसीज हैं एंड आपकी सिलेक्शन इसमें कैसे होने वाली है। तो ये जो वैकेंसीज आउट हुई है ना, स्टाफ का, ड्राइवर की आउट हुई है। सिलेक्शन की अगर हम बात करें, यहाँ पे स्किल
टेस्ट आपका होगा उसके बेसिस पे आपके इसमें सिलेक्शन होने वाले हैं, मतलब आपका इसमें ड्राइविंग टेस्ट होने वाला है, ठीक है। रिटर्न कोई एग्ज़ाम नहीं आपका है, कोई इंटरव्यू नहीं है, विदाउट उसके आप अप्लाई इसके लिए कर सकते हैं। तो दोनों लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिए हैं, क्लिक करके इन्फॉर्मेशन लेकर अप्लाई ज़रूर करना। चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं, इसी तरह से चाहते हैं हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुँच जाए, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर क्लिक करना, ताकि हर एक नोटिफिकेशन आप तक टाइम पर पहुंच जाए। चलिए आज के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।